चलिए तो हम देखते हैं कंप्यूटर साइंस से संबंधित जीएस आगे के क्वेश्चन। पिछले पार्ट में देख चुके थे हम 601 तक, इसमें देखते हैं 602 से आगे। 602 हुआ है वेव, वेव में एक से ज़्यादा वेव पेज होते हैं जो वेव सर्वर पर स्थित होते हैं, तो बी ऑप्शन सही है, इसमें सही है साइट। 603 है, से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है, तो ए ऑप्शन सही है इंटरनेट टेलीफोनी। 604 है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, तो सी है प्रिंटर। 605 है, वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ होता है, तो सी ऑप्शन है प्रथम पेज। 606, उस शब्द को क्या कहा जाता है जिसके अनुसार कोई भी नेटवर्क तब तक सुरक्षित होता है जब तक कि तक उसके प्रबंधक समूह से बाहर के किसी भी व्यक्ति को उसके संचालन विवरणों की कोई भी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति नहीं होती है और उपयोगकर्ताओं को जानने की आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान की जाती है। इसमें डी ऑप्शन सही है, पासवर्ड द्वारा सुरक्षा। 607 है, एक प्रोग्राम है जिससे से कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, तो इसमें यूटिलिटी सी ऑप्शन सही है। 608 है, प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं, तो ए ऑप्शन सही है, इसमें बग। 609 है, अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करता है यह बतलाता है या कहलाता है, तो सी ऑप्शन सही है, इसमें प्रोग्राम। 610 है, 610 कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं यह सुनिश्चित किया जाता है, तो ए ऑप्शन सही है, बूटिंग द्वारा। 611 है, लिनक्स एक है, तो ए ऑप्शन सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। 602 सीडी का तात्पर्य है, बी ऑप्शन सही है, इसमें कंप्यूटर एडेड डिजाइन। 613 है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को में बदलना है, तो ए बी ऑप्शन इसमें सही है, सूचना। 614 सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, तो डी ऑप्शन सही है, डीबगिंग। 615 दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है, तो सी ऑप्शन सही है, मल्टी प्रोसेसिंग। 616 है, 616 कंप्यूटर को बताते हैं इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए, तो ए ऑप्शन है, यूटिलिटी। 617 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 618 है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है, तो डी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी, पेज मेकर, वर्ड स्टाफ, एमएस वर्ड। 619 है, कंप्यूटर को बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो ए ऑप्शन सही है, यूटिलिटी। 620 है, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेस को मैनेज करता है, तो डी ऑप्शन सही है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। 621 ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे कहते हैं, तो बी ऑप्शन सही है, बैच। 622 है, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने देता है, तो बी ऑप्शन सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। 623 है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, तो बी ऑप्शन सही है, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। 624 है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, तो सी ऑप्शन बग। 625 है, हमारा कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने देता है, तो बी ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम। 626
26 है हमारा, प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे कहते हैं ए ऑप्शन ऑपरेशन सिस्टम। 627 है अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे कहते हैं प्रोग्राम, डी ऑप्शन सही है। 628 है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है, तो बी ऑप्शन सही है यूटिलिटीज। 629 है असेंबलर का कार्य है, तो सी ऑप्शन सही है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। 630 है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान होता है कहलाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। 631 है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है, तो बी ऑप्शन सही है इसमें यूटिलिटी। 632 है डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो ए ऑप्शन सही है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। 633 है मूल स्रोत से किसी भिन्न डिस्टेंशन पर कॉपी करने करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है, तो सी ऑप्शन है बैकअप। 634 है सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए उपयुक्त प्रोग्राम कहलाता है, तो पैच, ए ऑप्शन सही है। 635 है बैकअप कहलाता है, तो बी ऑप्शन सही है मूल स्रोतों से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना। 636 है MS-DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है, तो ए ऑप्शन है DOS 3। 637 है डॉस का पूरा नाम क्या है DOS का, तो बी ऑप्शन सही है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 638 है उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, तो बी ऑप्शन सही है बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। 639 है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, तो ए ऑप्शन सही है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। 640 है यूनिक्स का काल का विकास कब हुआ है, तो डी ऑप्शन है इसमें 1969। 641 है यूनिक्स की मुख्य भाषा है असेंबली। 642 है कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं यह सुनिश्चित किया जाता है, तो ये ऑप्शन सही है बूटिंग द्वारा। 643 है दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है, तो सी ऑप्शन है मल्टी प्रोसेसिंग। 644 है किसी फॉर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं, तो सी ऑप्शन है रियल टाइम सिस्टम। 645 है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो बी ऑप्शन सही है सिस्टम। 646 है एमएस वर्ड उदाहरण है, तो सी ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। 647 है ग्रुप वेयर होता है, तो सी ऑप्शन सही है सॉफ्टवेयर। 648 है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो TCS, बी ऑप्शन सही है। 649 कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, तो बी ऑप्शन सही है निम्न स्तरीय भाषा है। 650 उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है, तो सी ऑप्शन दोनों मतलब कंपाइलर इंटरप्रेटर। 651 है GIF का आशय है, तो सी ऑप्शन है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। 652 है सी भाषा है, तो बी ऑप्शन उच्च स्तरीय भाषा। 653 है कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो बी ऑप्शन सही है सॉफ्टवेयर पैकेज। 654 है टर्नकी सिस्टम क्या है, तो ए ऑप्शन सही है हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता। 655 है यूनिक्स की विशेषता क्या है, तो ई है उपयुक्त सभी एक साथ अनेक काम करता है, एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, काफी सुरक्षित है, कर्नल डाटा का प्रबंधन करता है।
56 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो सी सांख्यिकी। 657 है, इसका उपयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। तो ए ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 658 है, CAD का तात्पर्य है, तो बी ऑप्शन सही है कंप्यूटर एडिट डिजाइन। 659 है, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो सी ऑप्शन है AV, मतलब MS वर्ड या पेज मेकर। 660 है, कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन है हार्डवेयर। 661 है, उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द कौन सा है जो जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो? तो ये ऑप्शन सही है हार्डवेयर। 662 है, कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है? तो ये ऑप्शन है कंपाइलर। 663 है, कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाते हैं? तो बी ऑप्शन सही है सॉफ्टवेयर। 664 है, MS वर्ड का उदाहरण है, तो बी ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 665 है, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? तो ये ऑप्शन सही है वोटिंग। 666 है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि उसमें नहीं होता है? तो सी ऑप्शन है ऑपरेटिंग प्रणाली। 666 है, नीचे सूचीबद्ध चार शब्दों में से कौन सा उनसे संबद्ध नहीं है? तो बी ऑप्शन है पेरिफेरल। 668 है, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं? तो ए ऑप्शन यूजर फ्रेंडली। 669 है, वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा उपयोगता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है कहलाता है? तो बी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। 670 है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटिंग AI टेस्ट करता है कि पावर। डी ऑप्शन सही है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 671, मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित है? तो डी ऑप्शन से मल्टी प्रोसेसिंग। 672 है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो बी ऑप्शन है इंटरफेस। 673 है, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? तो बी ऑप्शन है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। 674 है, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है कि पावर। डी ऑप्शन सही है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 675 है, दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग। 676 है, लाइनेक्स किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो डी ऑप्शन ओपन सोर्स। 677 है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है? तो ई ऑप्शन सही है सिस्टम सॉफ्टवेयर। 678 है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो बी ऑप्शन है स्रोत प्रोग्राम। 679 है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो सी ऑप्शन सही है टाइम शेयरिंग। 680 है, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं? तो बी ऑप्शन सही है प्रोग्राम कोड। 681 है, प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है? तो सी ऑप्शन है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। 682 है, ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर इनके मिश्रण को कंप्यूटर के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो डी ऑप्शन है प्लेटफॉर्म। 683 है, कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम डाटा और सिस्टम फाइल के प्रति। डी ऑप्शन फुल बैकअप में होती है। डी ऑप्शन सही है
684 यह तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है, तो इसमें सी ऑप्शन है बूटिंग। 685 है एक लोकप्रिय विंडोज इन्वायरमेंट, विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई थी, तो डी ऑप्शन 1990। 686 है एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो डी ऑप्शन इंटरप्रेटर। 687 है पोस्ट का पूरा रूप है, तो इसमें पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये ऑप्शन सही है। 688 है प्रिंटर कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइस कहलाती हैं, तो बी ऑप्शन पेरिफेरल्स। 689 है जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, ई है पेरेलल प्रोसेसिंग। 690 है निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग शिफ्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो सी ऑप्शन है अकाउंटिंग। 691 है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, तो है सी बग, सी ऑप्शन सही है। 692 लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो डी ऑप्शन है इसमें ओपन सोर्स। 693 जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, तो पैरेलल प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन सही है। 694 एक्स एम एल के साथ डी टी डी परिभाषा के प्रयोग निर्देश करने के लिए होते हैं, तो ए ऑप्शन सही है। एक्स एम एल दस्तावेज की सामग्री की डेटा टाइप। 695 लिनक्स है, तो सी ऑप्शन सही है ऑपरेटिंग सिस्टम। 696 निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो डी ऑप्शन सही है टीवी। 697 लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं, तो सी ऑप्शन गीगाबाइट। 698 प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है, जिसका पूर्ण रूप है, बी ऑप्शन सही है अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 699 एक्सटेंडेड BCD में कुल कितने कैरेक्टर निरूपित किए जा सकते हैं, तो सी ऑप्शन है 256। 700वां क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, 1 बाइट बना होता है, तो ये ऑप्शन है 8 8 2 आधारी अंकों द्वारा। 701 है किलोबाइट बराबर होता है, तो बी ऑप्शन सही है 1024 बाइट्स। 702 है बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं, तो सी ऑप्शन सही है इसमें 2। 703 है 1 बाइट से कितने मूल निरूपित किए जा सकते हैं, तो इसमें 8, ए ऑप्शन सही है। 704 है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, तो 64 बिट, सी ऑप्शन सही है। 705 है कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है, तो सी ऑप्शन है बाइनरी। 706 कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो डी ऑप्शन है 10,48,576। 707 है 8 बिटों के समूह को कहते हैं, तो बी ऑप्शन बाइट। 708 है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो बी ऑप्शन बिट। 709 है 1 मेगाबाइट लगभग के समान होता है, तो डी ऑप्शन है इसमें 1 मिलियन बिट्स। 710 है इनमें से कौन कंप्यूटर में उपयुक्त अंक पद्धति है, तो डी ऑप्शन है हेक्सा डेसिमल। 711 है इनमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है, तो सी ऑप्शन है टीवी। 712 है किसी कितनी बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है 1024। 713 है बिट क्या है, तो बी ऑप्शन सही है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई। 714 है कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है, तो ए ऑप्शन सही है बाइट। 715 है बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं, तो बी ऑप्शन सही है 1 एवं 0। 616 है आजकल सबसे ज्यादा
प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है? तो ये ऑप्शन है ASCII, एफ सिडिक। 717 है बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि पर काम किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो बी ऑप्शन सही है इसमें, बाइनरी। 718 बिट का क्या मतलब होता है? तो ये ऑप्शन सही है, बाइनरी डिजिट। 719 है 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? बाइट। बी ऑप्शन सही है। 720 है 56 किलोबाइट प्रति सेकंड के मॉडेम का प्रयोग कर 3 मेगाबाइट के फाइल के डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा? तो ई ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। 724 है 721 सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, तो सी ऑप्शन है 64 बिट तक। 722वां क्वेश्चन है संख्या के द्विआधारी कोड में विद्युत स्पंदन का ना होना दर्शाता है, बी 0। 723 से अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? डी ऑप्शन कोडिंग सिस्टम। 724 से पद MB प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन सही है इसमें, मेगाबाइट्स के लिए। 725 से 1001 को 4 बिट्स की श्रेणी में कहलाता है, तो बी ऑप्शन निबल। 726 है संख्या के द्विआधारी कोण में विद्युत स्पंदन का ना होना दर्शाता है, बी 0। 727 से 10 लाख बाइट लगभग होती हैं, सी ऑप्शन मेगाबाइट। 728 से लॉजिक गेट क्या है? तो बी ऑप्शन सही, एक प्रकार का सर्किट। 729 है मेगाबाइट में मापते हैं कि इसमें कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को, डी ऑप्शन सही है। 730 है द्वि आधारी आधारी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना संख्या को प्रदर्शित करता है, तो बी ऑप्शन सही है इसमें, एक। 731 है सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो डी ऑप्शन सही है, TV, GB, MB, KV। 732 है कंप्यूटर संक्षिप्त अक्षर KV का सामान्यतः अर्थ होता है, तो सी ऑप्शन सही है, किलोबाइट। 733 है 1 किलोबाइट कितने तुल्य होता है? तो इसमें 1024 बाइट। 734 है कंप्यूटर संक्षिप्त अक्षर KV का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो इसमें सी ऑप्शन सही, किलोबाइट। 735 है कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को निरूपित करता है? तो ये ऑप्शन 4। 736 है कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर की जाती है? तो बी ऑप्शन सही, डिजिटल डाटा। 737 है मेगाबाइट्स में न मापते हैं, तो डी ऑप्शन कंप्यूटर की स्मृति को। 738 है निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? तो बी ऑप्शन सही है, 1001। 739 कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो बी ऑप्शन है 1024। 740 है 1 किलोबाइट कितने तुल किसके तुल होता है? तो बी ऑप्शन है 1024 बाइट। 741 एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, 1 बाइट बना होता है, तो ये ऑप्शन सही, 8 द्वि आधारी अंकों द्वारा। 742 है कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट सूचित करती है? तो ये ऑप्शन है 4। 743 है कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? तो ये ऑप्शन सही है, 1024। 1044 है 744 से निम्न में से कौन सा सत्य है? तो सी ऑप्शन सही है, 8 अंकीय बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। 745 है कंप्यूटर संक्षिप्त अक्षर का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो सी ऑप्शन है, किलोबाइट। 746 है बाइट 0 और के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है? तो सी ऑप्शन सही है, 256। 747 से कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो बी ऑप्शन सही है, डिजिटल डाटा। 748 से कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह डिजिटों से बनी होती है, ये ऑप्शन सही है। 749 से बाइनरी सिस्टम की शक्ति का प्रयोग करता है, तो ई ऑप्शन सही है, 2। 750 से ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, तो सी ऑप्शन सही है इसमें, 256। 751 है
बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है, ये ऑप्शन दो। 752 है, कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है, तो ये ऑप्शन 1024। 753 है, निम्न में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन है, तो डी ऑप्शन है मेगाहर्ट्ज़, गीगाबाइट्स, सॉरी गीगाबाइट, डी ऑप्शन सही है। 754 है, बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या होती है, तो बी ऑप्शन सही है 5। 755 है, बाइट 0 और के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है, तो सी ऑप्शन 256। 756 है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे छोटा माप कौन सा है, तो ये ऑप्शन है बाइट। 757 है, द्वि चर संख्या 2 का अष्टभुज समतुल्य क्या होगा, तो बी ऑप्शन है 514 8, बी ऑप्शन सही है। 758 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है, DEBCDIC। 759 है, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह डिजिटों से बनी होती है, ए ऑप्शन सही है। 760 है, मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो डी ऑप्शन है टेराबाइट। 761 है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो सी ऑप्शन सही है, 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं, तो 762 है, द्वि संख्या का अष्टभुज समतुल्य क्या होता है, तो बी ऑप्शन सही है 514 8। 763 क्वेश्चन है, CPU के लिए सामान्यतः गणित परफॉर्म करता है, तो ALU, ए ऑप्शन सही। 764 है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, तो बी ऑप्शन सही है मदरबोर्ड। 765 है, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटक निम्नलिखित में से किस सप्लाई पर कार्य करते हैं, तो डी ऑप्शन है +12B। 766 है, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन है कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। 767 है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच सूचना के माध्यम से टेबल करता है, तो बसेस, डी ऑप्शन। 768 है, पीसी का पूरा नाम क्या है, तो पर्सनल कंप्यूटर, ए ऑप्शन सही। 769 है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो डी ऑप्शन सही है इसमें MIDI। 770 है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, तो ए ऑप्शन सही है USB पोर्ट। 771 है, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन सही है पैरेलल पोर्ट। 772 है, UPS का कार्य होता है, तो सी ऑप्शन सही है कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। 773 पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है, तो ए ऑप्शन सही है IBM को। 774 है, कंप्यूटर में CD को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है, तो बी ऑप्शन है CD ड्राइव। 775 है, कंप्यूटर को कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है, तो ए ऑप्शन सही है डिस्क ड्राइव। 776 है, कंप्यूटर में पावर पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का क्या अर्थ होता है, तो ए ऑप्शन सही है स्विच मोड पावर सप्लाई। 770 है, निम्नांकित में से कौन सा भाग कंप्यूटर के मदरबोर्ड से संबंध रखता है, तो सी ऑप्शन माइक्रो प्रोसेसर। 778 है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, तो सी ऑप्शन सही मदरबोर्ड। 779 है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, तो ई ऑप्शन सही है सर्किट बोर्ड। 780 है हमारा, 780 कंप्यूटर में CD को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है, तो बी ऑप्शन सही है CD ड्राइव। 781 है, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने
में मदद करता है, तो ए ऑप्शन सही है, डिस्क ड्राइव। 782 एक पेंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन सही है, पैरेलल पोर्ट। 783 है कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है, तो डी ऑप्शन है, हार्ड डिस्क। 784 है निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है, सीपीयू। 785 है मदरबोर्ड क्या है, तो डी ऑप्शन सही है, इसमें सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं। 786 है कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है, तो डी ऑप्शन डिस्क ड्राइव में। 787 है संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, तो सी ऑप्शन मदरबोर्ड। 788 है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है, तो बी ऑप्शन सही है, MIPS। 789 है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना में की जाती है, तो बी ऑप्शन बिट में। 790 है कंप्यूटर के तीन मुख्य घटक कौन से हैं, तो ए ऑप्शन सही है, रैम इनपुट आउटपुट डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 791 कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं, तो बी ऑप्शन सही है, स्लॉट। 792 वाला क्वेश्चन है डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, तो डी ऑप्शन डिस्क ड्राइव। 793 वाला किस विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जुड़ता है, तो डी ऑप्शन सही है, मीडी। 794 वाला क्वेश्चन है एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, तो डी ऑप्शन सिस्टम यूनिट। 795 वाला क्वेश्चन है एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है, डी ऑप्शन सिस्टम यूनिट। 796 निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, तो बी ऑप्शन सही है, सीपीयू। 797 एक पेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, तो ए ऑप्शन है, स्लॉट। 798 एक्स सीरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है, ए ऑप्शन पोर्ट। 799 है मदरबोर्ड क्या है, तो डी ऑप्शन है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं। 800 क्वेश्चन वह है पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है, तो ए ऑप्शन है, आईबीएम को। 801 वा क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है, तो सी ऑप्शन सही है एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। 802 है सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, तो बी ए ऑप्शन सही है, एलयू। 803 है बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं, बी ऑप्शन नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। 804 है कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा करने देते हैं, तो डी ऑप्शन है, स्टोर। 805 बाय सीडी रोम का पूर्ण रूप है, तो बी ऑप्शन कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बी ऑप्शन सही है। 806 कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, तो सी ऑप्शन सर्वर। 807 वा क्वेश्चन है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ई ऑप्शन है, इंस्टॉलेशन। चलिए दोस्तों, तो हमने इसमें देख लिया है 807 क्वेश्चन तक देख लिए, 808 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित जो भी हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं अगले लेक्चर में हम इसे देखेंगे। चलिए इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं।